हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज है 16 अक्टूबर 2022 और दिन है संडे का, समय हो रहा है सुबह के 9:30। तो भाई जल्दी जल्दी रेडी होते हैं क्योंकि आज हम निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। वैसे हमारा प्लान बन रहा था कलियर शरीफ जाने का क्योंकि वहाँ पर मेला लग रहा है और मेले की जो रौनक है वो रात की होती है। वहाँ पे लाइटनिंग्स वगैरह और क्राउड तो रात को ज़्यादा अच्छा होता है। दिन में तो खैर धूप वूप होगी, दिन में इतना खास मज़ा नहीं आएगा, पर हम सुबह निकल रहे हैं जल्दी क्योंकि हो सकता है हम थोड़ा कहीं और भी इधर उधर घूमते फिरते निकल जाए। यार बाल ना उससे बढ़िया हो गए शैम्पू से ना। पता क्या, हमने अभी कुछ दिन पहले गूगल पे किया तो उस पर हमें एक कूपन मिला, तो उसको हमने रिडीम किया तो उसमें हमें एक ऑफ़र मिला। सेंट बोटैनिका का शैम्पू आता है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, ये देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब जेन्युइनली आपको मैं बताऊँगा, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर सीरियसली मैं आपको बताता हूँ कि गूगल पे से हमें जब कूपन मिला तो हमने ये ऑर्डर किया। इसका MRP जो है वो 359 रुपीज़ है, हाँ, पर ये हमें ऑफ़र में मिला था ओनली 99 का। गूगल पे पर मुझे कूपन मिला था और आई थिंक कि फ़र्स्ट टाइम अगर कोई ऑनलाइन सेंट बोटेनिका की वेबसाइट से डायरेक्ट मंगाता है तो उसको मेरे ख्याल से 99 का ही पड़ रहा है, फ़र्स्ट टाइम अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराता है। तो मैंने ऐसे ही मंगा लिया शैम्पू। शैम्पू बहुत ही औसम है, मैंने मतलब ये लगा लो कि इसको थोड़ा सा लेना होता है और बहुत ही स्मूथ कर देगा, खासकर कि गर्ल्स के लिए ये बहुत बढ़िया है क्योंकि बॉयज़ के इतने बड़े हेयर्स नहीं होते, पर गर्ल्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट शैम्पू है। इनफैक्ट ये हुआ कि ये क्योंकि ख़त्म होने वाला है अभी, जो हमने फर्स्ट टाइम मंगाया था तो ये ख़त्म होने वाला है, तो हीना ने क्या किया, हीना ने अपने नंबर से उसी वेबसाइट पर जाकर सेंट बोटेनिका का दो शैम्पू ऑर्डर किया, तो उनका डिलीवरी भी कल ही हुआ है। ये देखिए गाइस, सेंट बोटेनिका, तो हमने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो ये आ चुका है, तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं अभी। तो ये आ चुका है हमारा शैम्पू और इसका अनबॉक्सिंग करते हैं अब। पैकिंग अच्छी की हुई है और मैं इसका आपको एक बहुत ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखिए गाइस, ये तो वही है जो हमने फर्स्ट टाइम मंगाया था, बहुत ही अच्छा शैम्पू है ये वाला। आप इसको देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसकी डिटेल्स। और एक मंगाया है इन्होंने ये वाला प्रो केराटिन एंड अर्गन ऑयल, ये भी हो सकता है क्योंकि केराटिन है। तो इसका MRP भी 359 है और इसका MRP भी 359 है, पर ये दोनों हमें पड़ा है, ये तो हमने पहले मंगाया था, इसको रख दो, ये दोनों हमें पड़ा है, दोनों 200 अप्रोक्स, 199 का पड़ा है, इसमें मेंशन होगा यहाँ पर। एनीवेज, इसकी जो बेस्ट चीज़ लगी है वो मुझको ये लगी है कि ये यहाँ पर देखो, ये सील्ड पैक है पूरा, यहाँ से ना ये पूरा सील्ड पैक है। मैंने अक्सर मंगाया है ऑनलाइन तो उसमें क्या होता है कि खुला रहता है यहाँ से, तो उसका कोई भरोसा नहीं होता, कई बार वो बॉक्स में गिरता हुआ भी आता है और कई बार ऐसा भी लगता है कि पता नहीं यूज़ तो नहीं हुआ या कम तो नहीं है। तो इसको जब आप यूज़ करेंगे आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये शैम्पू कैसा लगा। मैं इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप कि आपको ये शैम्पू खूब पसंद आएगा, खास कर कि गर्ल्स के लिए, मैं बोल रहा हूँ गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट शैम्पू है। मोहम्मद घंटा घर आ गया, मोहम्मद
कहाँ है घंटा घर? वाओ साइकिल मोहम्मद। बेटा आपको साइकिल चाहिए? शॉप फॉर रेंट। बेटा कहाँ है घंटाघर? वाओ घंटाघर आ गए, घंटाघर आ गए। मेरे छोटी बेबी किसे जा रही है? तो सबसे पहले डलाते हैं डीजल यूनिवर्सल पेट्रोल पंप पर। हम जा ले मोहम्मद, मोहम्मद हम जा ले, हम जा ले। कहाँ जा ले हम? फाइनली मोहंड का पीला पुल भी दोबारा से बन रहा है। अल पीछे देखा हमने तो वहां पर काम चल रहा था। फाइनली यहां पर भी शायद फिर जाम से हमें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जाम यहीं पे लगता है। क्या लोगी? अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट और फिर सीधा लेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे। ये सीधा कलियर शरीफ निकलेगा। यार यहाँ पे ना ये सबसे बड़ी मुसीबत, ये देखना रॉन्ग साइड आ रहे हैं लोग। जब फोर लेन है और उधर से रास्ता है तो घूम के आओ ना उधर से। ये चक्कर समझ नहीं आता यहाँ रॉन्ग साइड आने का। मतलब खुद तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी लेट डूबेंगे। हीना देखो यहाँ पहुँच गए अब हम ना। अगर हम बिहारीगढ़ से आते तो इधर लेफ्ट की साइड से निकलते, तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। अब हमें राइट लेना है यहाँ से कलिया शरीफ के लिए। तो गाइस गाड़ी पार्क करने के हमने दिए हैं 50 रुपीज पार्किंग के, और यहीं से शुरुआत होती है। आप देखिए कि मेले की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। हमने पार्किंग है पूरी, और इधर से हम जा रहे हैं। इधर हमारे राइट हैंड पे पड़ा है तालाब, काफी बड़ा तालाब है यहाँ पर। और अभी हम जो एंट्री ले रहे हैं वो बैक साइड से एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दरगाह करीब पड़ेगी और फिर घूमकर दूसरे बाजार से वापसी आएंगे। इधर से आने का हमारा एक मकसद ये भी था, क्योंकि हमें वॉशरूम जाना था और सबसे पहले राइट में पड़ेगा शौचालय, तो यहाँ से फ्रेश होने के बाद उसके बाद सामने दरगाह में हम एंट्री लेंगे। वाह हिना देखो यहाँ कितने अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये देखो सदाबहार का भी है और गुलाब भी हैं काफ़ी। वो सामने कितना प्यारा गुलाब खिल रहा है, वाह। यहाँ सामने वजू घर बना हुआ है और यहीं से एंट्री होती है। फ्रंट से नहीं आए हैं हम बैक साइड से आए हैं, तो चलते हैं अंदर।
सलाम वालेकुम। चाहिए आपको चलानी है? वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलानी है? चलो चलाते हैं अभी। क्या रुपए ले रहे हैं भाई सवारी के हैं? कितने? बेटा चला ली गाड़ी, मजा आया? चले ओके, चलते हैं।